माउंट आबू में बड़ा आयोजन हर साल 25 साल से हो रहा है और हजारों लोग लाखों लोग यहाँ आके बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। तो इस स्थल को पूर्ण रूप से विकसित करने की घोषणा मैंने की है ताकि जो यात्री आए और कार्यक्रम वगैरह करना उसके लिए सभा भवन भी होना चाहिए, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए और इस मेला स्थल का विकास भी होना चाहिए। तो इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र के विकास हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले वर्ष तक के कम्प्लीट हो ऐसे हम लोग मामले को लेकर आपको क्या कहना चाहेंगे। बेमेतरा नवागढ़ ब्लॉक के अंधियार खोर स्कूल परिसर में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय महिला सुरक्षा और जन जागरूकता कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं शिविर में प्रभावशाली छात्राओं का सम्मान किया। समापन दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत सदस्य शशि प्रभा गायकवाड़ एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष एडिशनल SP विमल बैस ने शिरकत की। आपको बताते चले 5 दिनों तक चले जन जागरूकता शिविर में अलग अलग दिन पुलिस विभाग के अलग अलग उप विभागों के द्वारा छात्राओं को सेल्फ डिफेंस, साइबर क्राइम, महिला अपराध, महिला सुरक्षा, ऑनलाइन ठगी, कोविड संक्रमण एवं यातायात के सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई एवं आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी गई। वहीं पूर्व सूबेदार हरीश ने साहस और आत्मबल को मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने सभी बच्चों के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण अनिवार्य बताया। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाट में। किस प्रकार का आज कार्यक्रम रखा गया था जो बेमेतरा पुलिस अधीक्षक के द्वारा? ये 5 दिनों से चल रहा है, शिक्षक प्रशिक्षण से है और इसे जिला थाना प्रभारी करा रहे हैं, जिला बेमेतरा से भी और नवागढ़ थाना से भी करा रहे हैं। जी, यहाँ पे अंधियारपुर में हमारे आयोजन समिति और हमारे थाना प्रभारी द्वारा एक जन जागरूकता अभियान के तहत बच्चों में सेल्फ डिफेंस, महिला सुरक्षा संबंधी, साइबर क्राइम संबंधी, यातायात संबंधी इन विषयों का 5 दिन से प्रशिक्षण चल रहा था जिसका समापन किया गया। उसमें हमारे सब ग्रामवासी और हमारे प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। 5 दिवसीय हमारे छात्राओं महिला सुरक्षा, आत्म सुरक्षा और जागरूक किया गया प्रशिक्षण के माध्यम से जो 5 दिन का था। DI हमारे नवागढ़ DI अपर सिंह राजपूत के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। सुकमा जिले के तोंगपाल निवासी राकेश पाल और उनकी पत्नी सुड्डू पाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बता दें प्राप्त दोनों पति पत्नी जगदलपुर की ओर से स्कूटी से आ रहे थे कि अचानक सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
रायपुर में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ गुजरात टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत घरेलू पर्यटन रोड शो कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल व राज्य के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सबका मैं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज ये रोड शो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार, गुजरात पर्यटन मंत्रालय तीनों के सहयोग का ये परिणाम है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हम स्वयं गौरवान्वित होते हैं। एक युवक को पैरों तले कुचलकर मौत के घाट उतारने के बाद भी अभी तक हाथियों का आतंक थमा नहीं है बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर के एक और जहां वन विभाग प्रभावित गांवों में मशाल बांट रही है तो प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की विधानसभा क्षेत्र में युवक की मौत के बाद जिला प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि हालात को काबू करने वन विभाग व जिला प्रशासन रूपरेखा तैयार कर रही है। हाथियों के दल में कुरुटोला व सोडोंगर गांव के कई घरों को तोड़ कर रख दिया है, तहस नहस कर दिया है। तो वहीं एक व्यक्ति द्वारा पाले गर्भवती सुअर को कुचल कर मार डाला गया। हाथी प्रभावित गाँव के लोग दिन में काम करते हैं तो वही रात में दहशत में रहते हैं। कल ये घटना जो हुई है हमारे डोंडी ब्लॉक में, वो प्रथम घटना है। किसी व्यक्ति को हाथियों ने प्रहार किया और वो मृत हुए। उसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला, जिला के तमाम बड़े अधिकारी, चाहे वो वन विभाग के हो चाहे प्रशासन के हो, वो सभी इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। उन सभी विभागों से कोऑर्डिनेशन करके वो अपना एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं कि दो दिन से आ रहा है हाथी का दल, और कल मतलब रात में और आया था, उसके पिछले रात में और आया था, आया फिर केला वेला लगा था, बोर का पाइप है, मीटर है और घर बना हुआ है उसको तोड़ा है। सुअर था उसको तो खेदा दिया था, और कल रात में जब घुसा फिर ये धान का थरहा लगाया था यहाँ पीछे, उसका भी नुकसान हो गया है। सीधे आपको ले चलते तेलंगाना, जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या कुछ कहने दिखाते हैं। मुझे भी गौरव की अनुभूति हो रही है। विशेष उपलब्धियों और सम्मान के साथ पास होने वाले कैडेट्स को मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ अपने फ्रेंडली कंट्रीज वियतनाम, नाइजीरिया, श्रीलंका से यहाँ आए उन ट्रेनीज को भी जो इस एकेडमी से पास आउट होकर निकल रहे हैं। देश सेवा के लिए प्रोत्साहित करने
और कदम कदम पर साथ देने के लिए मैं आपके माता पिता समेत पूरे परिवार को भी धन्यवाद देता हूं और उनका पुनः मैं अभिनंदन भी करता हूं। मैं उस ट्रेनिंग टीम की भी सराहना करता हूं जिन्होंने आपको सामान्य इंसान से औलाद बनाने में दिन रात की कड़ी मेहनत की है। साथियों, अब आप जिस संगठन के अंग हैं उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाले शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। 1961 के गोवा मुक्ति संग्राम से लेकर 65 के इंडो पाक वार, 71 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और लोंगेवाला में आपका प्रदर्शन, 84 के ऑपरेशन मेघदूत, 99 के ऑपरेशन सफेद सागर और हाल ही में बालाकोट के कुछ ऐसे अध्याय हैं जो न केवल वायुसेना के बल्कि हमारे देश के इतिहास के गोल्डन चैप्टर्स माने जाएंगे। साथियों, हमारे एयर वॉरियर्स ने जिस तरह अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर देश की आन बान शान पर कोई आंच नहीं आने दी, वह अपने आप में एक मिसाल है। शुरू से लेकर अब तक हमारे एयरक्राफ्ट भले बदल गए हों, इक्विपमेंट भी भले बदल गए हों, पर राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प, जोश और जुनून आज भी ठीक उसी तरह एक विरासत के रूप में बरकरार है जिसके आप ही वारिस हैं। अब इस विरासत को न केवल आपको सहेज कर रखना है बल्कि एक वारिस के तौर पर इसे और भी आपको आगे ले जाना है। साथियों, अब तक एकेडमी में आपने जो अनुभव लिए हैं सर्विस के दौरान, आपके अनुभव उससे बहुत अलग होंगे। हमें उनके लिए न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की दृष्टि से भी तैयार रहना होगा। नॉर्दर्न सेक्टर में हाल ही में हुए इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दर्शाता है। हालांकि हमने यह दिखा दिया है कि अभी हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं रहा है, यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुवत रखता है। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा और समर्थन कई बड़े देशों द्वारा भी हुई है। आप सब भी इससे अवगत होंगे, हम किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए ही निकालने में विश्वास रखते हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर फिर से कहना चाहूंगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि हम शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी तरह वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आए दिन हमारा पड़ोसी कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। एक नहीं बल्कि चार युद्धों में मात खाने के बाद भी हमारा पड़ोसी अब पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ हमारी सेना, सुरक्षा बल और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। अब तो भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के भीतर ही नहीं बल्कि सीमा पर ही, सीमा पार जाकर भी प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों से परिचित करा दिया है। मस्तोरी क्षेत्र में एक बार फिर से बड़ी लूट की घटना सामने आई। दो लोगों ने सराफा व्यापारी से 17 लाख की सोने और चांदी की लूट की। घटना शाम 5 बजे की है। टिकारी निवासी अमित सोनी रोज की तरह सोना चांदी बेचने के लिए ओखर का बाजार गया था। अमित सोना चांदी बेचकर घर वापस लौट रहा था, तभी लूट की नियत से घात लगाकर बैठे शमेर सिंह ने दीपक सिंह से, सराफा व्यापारी, और डंडे से हमला करके घायल कर दिया और गाड़ी से गिरा दिया। तभी आरोपी ने 2 नग बैग में रखे 11.400 केजी चांदी और 170 ग्राम सोने को लेकर फरार हो गया, जिसका आपको बताते चले घायल व्यापारी ने तुरंत मल्हार चौके में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास सामान बरामद कर लिया।
मैं गुरुवार को ना ओखर के साप्ताहिक बाज़ार से शाम को निकला, वहाँ से दुकान को समेटते हुए, और लगभग 1 किलोमीटर आगे निकला ही था कि पीछे तरफ से एक गाड़ी ओवरटेक की हमको, और पीछे में जो बंदा था वो हरे रंग का डंडा अपने कपड़े में छुपा के रखा था, उसने मेरे ये दाएँ हाथ के ऊपर हथेली में ना वार किया, तो हम लोग गाड़ी अनबैलेंस होकर हम लोग गिर गए। आमिर सोनी जो सराफा व्यापारी है वो उखर बाज़ार से शाम के समय लौट रहे थे, तो उनको रास्ते में रोककर दो आरोपी दीपक सिंह और समीर सिंह ने उनको रोका, और उनके साथ दो सोने के जो बैग थे, सोने चांदी से भरे हुए बैग थे, उसको लूट लिया, और इनका चाकू दिखा के इनको भय में डाला गया था, तो आरोपी जो है वो आज सुबह दोनों ही पकड़ा गए। खबर सरगुजा से, प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र में ही राधापुर धान खरीदी केंद्र में भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों को ताक पर रखकर समिति प्रबंधन धान की खरीदी कर रहा है। समिति प्रबंधन के मनमानी की वजह से किसान धान बेचने के दौरान नुकसान उठाने को मजबूर है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अक्सर धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण करते नजर आते हैं, लेकिन खाद्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही। प्रबंधन के द्वारा धान की तौल के लिए ना तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ना ही धान खरीदी केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था नजर आ रही है। सब पूरा व्यवस्था सब ठीक है, बोरा है, आटा है, लेबर है, सब है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक काटा दिया गया है कि नहीं दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक काटा नहीं है। कितने काट, कौन से काटा में तोला जा रहा है, कितने काटे लगे? ये झूला वाला कांटा है, 8 कांटा अपने पास लगा है। तो इससे दिक्कत नहीं हो रहा है इससे आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो शासन के द्वारा तो निर्धारित है कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा में तोलना है, क्या है? नहीं, अपने तो शुरू से ही इसी कांटा में तोल रहे हैं, और उसमें जो है धूप उप में दिखाई नहीं देता है, लेबर जो है उल्टा सीधा तोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कांटा में। तो यहाँ पे किस तरीके से, मतलब लेबर आपके हैं या किसानों के लेबर हैं? नहीं, अपना लेबर है। तो किसानों को किस तरह से क्या मशक्कत करना पड़ रहा है यहाँ पे? किसानों को कोई मशक्कत नहीं, लाके धान गिरा देते हैं, फिर अपना तौल जोख हम कराते हैं। जिले के पटवारी अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, साथ ही साथ पटवारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा। शासन से हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर की जा रही हैं, जिसके लिए विधिवत पिछले 2 सालों से हम राज्य शासन से, सचिव महोदय से और अपने जिले के कलेक्टरों के माध्यम से लगातार लिखित में देते रहे हैं कि हमें भुइयां जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, उसमें सुधार किया जाए, साथ में पटवारियों को संसाधन दिए जाएँ, चूँकि आजकल डिजिटल का ज़माना आ गया है, सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं, हमारे दूरस्थ अंचलों के साथी जिनके पास नेट की सुविधा भी नहीं है और कोई संसाधन भी नहीं है, उन्हें लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर मुख्यालय तक आकर ये काम करना पड़ता है। कांकेर के कोयली बेड़ा में करका घाट और काम तेड़ा गांव में 2 BSF कैंप खोले गए, वहीं कैंप को देवस्थल में खोलने पर आदिवासी समाज विरोध में आ गया, साथ ही साथ सर्व आदिवासी समाज एवं ST/ST/OBC समाज के ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि BSF कैंप को हटाया जाए। आपको बताते चले, सरकार ने नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने और प्रतापपुर कोली बेड़ा मार्ग पर सड़क और पुल पुलिया निर्माण कार्य में तेजी लाने इस मार्ग पर BSF कैंप शुरू किए हैं। पर एकत्रित हुए हैं जितने भी क्षेत्र के जनता, क्योंकि हमारे यहाँ पर देवस्थल जगह है, क्योंकि सदी काल से है, जबकि किन्नरीगुड़ी यहाँ पर क्षेत्र में बहुत बड़े देवस्थल जगह है, ऊपर साइड में रानी दरा है, बहुत देवस्थल जगह है, उसी प्रकार का उसी साथ साथ का यहाँ भी एक बंजरीन देव है, तो हमारे देव सिस्टम पूरा ये हो रहा है, इसलिए हम जनता इकट्ठा होकर ये सुविधा हटाने के लिए हम लोग धरना बैठे हैं। धरना कब तक रहेंगे? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा यहाँ से नहीं हटेंगे।
बालोद जिले के दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र में चार अलग अलग मामलों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोच लिया। आरोपियों द्वारा सोने के आभूषण, नकदी, मोबाइल अलग अलग व्यक्तियों के घर से चोरी की गई, जिसका खुलासा बालोद जिला अतिरिक्त SP TR पोर्ते ने किया। आरोपियों के पास से जोड़ी के सभी सामान बरामद करके आरोपियों को न्यायिक रिमांड भेज दिया गया। वहीं हजारों रुपए के आभूषण के साथ नकदी चोरी करने वाले आरोपी के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि देर रात चिकला खसा गांव में एक व्यक्ति के घर कोई रहने से घर का ताला तोड़ करके आभूषण व नकदी की चोरी करके ले गया। इन सभी घटनाओं में से घटना में नाबालिग बालक भी शामिल है। राजहरा द्वारा वहां पर इस पर निगाह रखी जा रही थी और उस पर से तीन अलग अलग प्रकरणों के तीन मोबाइल की जब्ती हुई है, जिसमें से दो आरोपी हैं। एक आरोपी का नाम किशन गिलहरे, 35 साल निवासी राजीव गोबरा नवापारा, और दूसरा आरोपी है रुपेश गोरे, 24 साल निवासी पथरा टोला। एक इसमें विधि से विरुद्ध संघर्षरत बालक है। तो इस प्रकार से कुल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है चार प्रकरणों में, और तीन मोबाइल, सोने का कंगन और 15,000 रुपये की जब्ती की गई है। चोरी के जो अन्य प्रकरण हैं उस पर भी आरोपियों की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही उनमें भी कार्रवाई करके मसरूका की जब्ती की जाएगी। रोजगार की तलाश में जा रहे ग्रामीणों को आज जिला पंचायत अध्यक्ष और CEO अश्वनी देवागन ने रोक दिया। आपको बता दें चले जिला पंचायत को प्रशासन को बड़ी तादाद में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों के पलायन करने की सूचना मिली थी, जो कि रोजगार की तलाश में बाहरी क्षेत्रों में जा रहे थे। पूछताछ में पता चला कि मनरेगा में काम करने के बाद अभी तक मजदूरों के खातों में भुगतान नहीं हुआ, परंतु ऑनलाइन चेकिंग में 5.5 लाख करीब से ज्यादा भुगतान हो चुका है। फिलहाल मामले की जाँच शुरू कर दी गई। पलायन नहीं किए हैं, हम लोगों को जैसी जानकारी मिली हम तुरंत यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। हमारे साथ में जिला पंचायत CEO भी हैं, और जो भी पंचायत की तरफ से अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो हम लोग उसको सुधारेंगे और हम लोग सभी को रोक करके वापस उनको भेजा जाएगा, और जो भी सरपंच और सचिव के माध्यम से जो गलतियाँ हुई हैं तो उनको हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में जिस तरह की बातें आई कि काम नहीं मिलने के कारण लोग जा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आज की तारीख में हमारे पूरे 140 पंचायतों में 500 से भी अधिक काम चल रहे हैं और लगभग 15,000 के आसपास श्रमिक काम कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ आने के बाद जो पता चला कि चिकपाल के कुछ लोग इसलिए पलायन कर रहे हैं कि वहाँ पे भुगतान नहीं हुआ है, मैंने अभी ऑनलाइन चेक कराया है, जस्ट 5.5 लाख से अधिक का भुगतान वहाँ पे हो चुका है, उनके खातों में ही ये भुगतान हुआ। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए KNews इंडिया। नमस्कार। खबरों का सारथी, लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे, छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला बसंत, अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा।